गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो? अच्छा वैशाली, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5D के नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सरसाइज 5D के हमारे क्वेश्चन नंबर 17 तक हो चुके थे। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या देखो, क्वेश्चन नंबर 18 से 21 एक ऐसे हैं जिसमें क्या करना है, हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। यानी आपके पास जो फ्रैक्शन दी हुई है क्वेश्चन नंबर 18 से 21 तक, इसमें क्या करना है आपको, असेंडिंग ऑर्डर में लगानी है। कैसे करेंगे असेंडिंग ऑर्डर? असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है बेटा जी, सबसे पहले क्या होता है, स्मॉल नंबर, फिर से लार्ज नंबर, फिर से लार्ज नंबर, फिर से लार्ज नंबर, ऐसे चलता है। सबसे पहले छोटा, फिर से बड़ा, फिर से बड़ा, इसको क्या कहते हैं, असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, बढ़ता क्रम, यानी असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। आपके पास जैसे फर्स्ट पॉइंट आपका क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में जैसे 1/2, 3/4, 5/6 और 7/8 ये बताने आपको असेंडिंग ऑर्डर में। कैसे करेंगे इसको, सबसे पहले 2, 4, 6 और 8 इन सब का क्या लेंगे हम, एलसीएम, यानी जो डिनोमिनेटर है इनको क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। फिर जो एलसीएम आएगा इन सबको उसमें कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, जैसे पिछले इसमें कंपैरिजन में किया था हमने, कंपेयर में किया था, यानी जो ये वाले थे नंबर मेरे पास डिनोमिनेटर, उनको क्या किया था, सेम किया था। जैसे एलसीएम क्या आया, 2, 4, 6, 8 एलसीएम कैसे निकालते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालते हैं ना, जैसे 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 4 8, फिर 2 पे 2 1 2 3 ऐसे कैसा, 2 2 4, फिर 2 पे 1 ऐसे का, 1 ऐसे का, 3 ऐसे कैसा, फिर 2 1 2, फिर 3 पे लास्ट में 1 1 1, फिर 3 1 3, फिर 1 ये आ गया। तो क्या ये 2 2 2 3 ये आ गया बस। तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 1 2 2 4 4 2 8 8 3 24, तो यहाँ पे इसका जो एलसीएम आएगा मेरे पास वो कितना आएगा, मेरे पास 24 आ गया। ठीक है, यानी कि जो एलसीएम है 2 4 6 8 का क्या आएगा मेरे पास, 24। तो हमें क्या करना है, जो डिनोमिनेटर है उसको क्या करना, कन्वर्ट करना है किसी में, 24 में। यहाँ पे 24 लगाना, मुझे यहाँ पे क्या है, मेरे पास 2 है तो मैं किस से मल्टीप्लाई करूँगा, 12 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो मेरा क्या आएगा, 24 आंसर आएगा। ठीक है, यानी कि डिनोमिनेटर क्या आएगा मेरा, 24 बनाने के लिए मुझे 12 से मल्टीप्लाई करनी है। यदि डिनोमिनेटर से 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके साथ डिनोमिनेटर के साथ भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी हमें 12 के साथ। ठीक है, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 12, यानी कि 1 मल्टीप्लाई 12, ऐसे ही यहाँ पे 4 था मेरे पास, 24 बनाना है मुझे, तो इससे सब मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी मुझे 6 से, तो इसलिए ऊपर भी 6 से ही मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। यहाँ पे क्या था, 6 था, इससे मल्टीप्लाई किससे करी, 4 से, 6 4 24, वैसे ही 4 से ऊपर से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। यहाँ पे 8 था, 8 3 24 7 3 21, तो मेरे पास कितना आएगा, 12 by 24 18 by 24 20 by 24 21 by 24, ये आ गया मेरे पास। देखो जो डिनोमिनेट है वो क्या गया मेरे पास, 7 आ गया। ठीक है, अब क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में करना है, यानी जो ऊपर वाले डिनोमिनेटर हैं उनको देखेंगे हम, जो सबसे छोटा है फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ये सबसे छोटा कौन सा है, 12, फिर से बड़ा 18, फिर 20, फिर 21। तो इसे क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया मैंने, असेंडिंग, यानी 12/24 क्या था, 12/24 क्या था मेरे पास, 1/2, तो यहाँ पे क्या आएगा मेरे पास आंसर 1/2, फिर क्या आएगा 3/4, फिर 20/24 क्या है 5/6, और 21/24 क्या है मेरे पास 7/8। ठीक है, ये 7/8 आई बस में, ये क्या आएगा मेरे पास, असेंडिंग ऑर्डर, ऐसे करना है आपके पास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 तक आगे है, क्वेश्चन नंबर 22 to 27 इसमें क्या आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। ये तो असेंडिंग ऑर्डर था, वैसे ही क्या लिखना है, डिसेंडिंग ऑर्डर, इसमें भी सेम एज इट इज करना है मेथड। जैसे डिनोमिनेटर को क्या कर लो, सेम कर लो आप, क्या कर लो, सेम, यानी इसमें सबसे पहले क्या लिखते थे, सबसे स्मॉलर नंबर फिर से लार्जर, इसमें सबसे पहले क्या लिखेंगे, लार्जर नंबर लिखेंगे, फिर सबसे छोटा नंबर लिखेंगे। यानी सबसे पहले पहला काम क्या है हमारा, जो डिनोमिनेटर है उसको सेम करेंगे। ठीक है, जो डिनोमिनेटर उसको सेम करेंगे, यानी एलसीएम निकालेंगे सबसे पहले 7, 14, 21, 42 का, 7, 14, 21, 42 का एलसीएम निकालो, 7 1 7 7 2 14 7 3 21 7 6 42, फिर 2 पे चलाएंगे 2 1 2 आएगा, 3 ऐसे कैसा 2 3 6, फिर 3 पे 3 1 3 3 1 3, यानी 7 2 3 आ गया मेरे पास, तो 7 2 3 क्या आ गया मेरे पास 42।
आएगा 42 आ गया। यानी कि एलसीएम क्या आगे मेरे पास 42, जैसे इसमें 24 आया था इसमें क्या आगे मेरे पास 42 आ गया। यानी कि अब क्या बना है, जो डिनोमिनेटर है उसको क्या बनाना है, 42 बनाना है हमें। तो सैम है मेरे पास, तो इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करें मैंने, 6 के साथ। 6 सैम 6 जा 42, 5 6 जा 30। ठीक है, यानी कि जो 6 से मल्टीप्लाई करिए तो ऊपर से भी 6 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, यानी जो नीचे करते हैं उसे उसकी मल्टीप्लाई ऊपर के साथ, यानी 14 है, इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ करूंगी, मेरे पास 42 आ गए, तो 14 3 से कितने होते हैं 42, तो ऊपर से भी मल्टीप्लाई करनी मेरे पास 3 के साथ, 9 3 जा 27। वैसे 21 बाय मल्टीप्लाई 2, 17 मल्टीप्लाई बाय 2, लास्ट में क्या 31 बाय 42, 42 ऐसे जैसे रहेगा क्योंकि 42 ही चाहिए और 42 है उसमें, आगे इसमें कोई भी चेंज नहीं करना। ठीक है, तो मेरे पास कितना आ गया, 30/42, 27/42, 34/42, 31/42। अब क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, यानी सबसे पहले बड़ा नंबर कौन सा, लार्जर नंबर कौन सा है, 34, यानी सबसे पहले लिख दिया मैंने 34 इज ग्रेटर देन, फिर से सुन 31/42 इज ग्रेटर देन 30/42 इज ग्रेटर देन 27/42। ठीक है, इसका मतलब क्या हो, यानी ये वाले आगे मेरे पास, अब इसको 34/42 क्या था मेरे पास, 17/21, 17/21 था ना, 34/42, इसका मतलब इसको क्या लिखा मैंने, 17/21। वैसे ही 31/42 का 31/42 ये रहा, 31/42 एज इट इज है, ये ऐसे जैसे लिख दिया मैंने। फिर क्या है मेरे पास 30/42 का अंश में ये रहा 30/42, इसको क्या लिखा मैंने 5/7, क्या लिखे 5/7 इसकी वैल्यू। अब लास्ट में कितना बच गया मेरे पास, 9/14। ठीक है, ये क्या हो गया मेरे पास, सबसे छोटा सबसे बड़ा, यानी क्या हो गया, डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गया। ठीक है, आई होप तुम्हें ऐसे करना आपको क्वेश्चन नंबर 18 से 27। जैसे 26 और 27 में देख लो क्या करना है, वो भी इजी है, ऐसे ही है वो भी, पहले ही देख लो आप, नोट कर लो इनको, वीडियो को रोके। ठीक है, आप करेंगे 27 देखो क्वेश्चन नंबर 26 27 सेम एज इट इज है, जैसे क्वेश्चन नंबर 27 कर रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले 3/7, 3/11, 3/5, 3/13, 3/4, 3/7 ये है आपके पास। ठीक है, इसमें क्या है, न्यूमरेटर क्या है सेम है, और जो डिनोमिनेटर है वो क्या है अलग अलग है। इसको कैसे करेंगे, मैंने बताया था, यानी कि जो डिनोमिनेटर होता है जितना छोटा होगा वो उतना ही क्या होगा, बड़ा नंबर होगा। ठीक है, जैसे इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 7, 14, 24, 34, 34 और 17। सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 4 है ना, यानी सबसे डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना है, किसमें लिखना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है ना, हाँ डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले क्या होता है, लार्जर नंबर होता है। ठीक है, इसमें सबसे बड़ा लार्जर नंबर कौन सा हुआ, जो सबसे छोटा नंबर हुआ है डिनोमिनेटर में, यानी सबसे छोटा डिनोमिनेटर कौन सा है मेरा, 4 है, इसका मतलब क्या हुआ, 3/4 क्या हुआ मेरे पास, सबसे बड़ा नंबर। ठीक है, उस 4 के बाद क्या है मेरे पास, 5, 3/5 सबसे बड़ा क्या है, 3/4 आएगा, फिर 3/5 आएगा, फिर 3/7 आएगा, 3/11, 3/13, 3/17, ये आपके पास डिसेंडिंग ऑर्डर हो गए। ठीक है, यानी जो सबसे छोटा नंबर होगा नीचे वो सबसे बड़ा नंबर होगा। ठीक है, आई वर्ष में कर लोगे क्वेश्चन नंबर 27 तक करने आज आपको, क्वेश्चन नंबर 18 से 27। ठीक है, यदि कोई डाउट हो आप पूछ सकते हैं।
ओके थैंक यू।